हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आ जाए नई रेसिपी के साथ में। अगर आपको हमारी नई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रेसिपी बनने में बहुत ही आसान है और इजीली इसके लिए जो सामान चाहिए होता घर पे मिल जाता है। खास बात यह है कि आप इसको बिना गैस ऑन किए बना सकते हो, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और कोई भी अपने गेस्ट पे घर पे आए तो उसके लिए आप जल्दी से ये बनाकर खिला सकते हो, और उसके लिए कुछ सामान एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। इजीली जो अपने घर पर मिल जाता है उसी से अपन काम चला सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई भी जो ड्राई फ्रूट्स आपके घर पे हो वो काम में ले सकते हैं। और इसके लिए मिल्क पाउडर चाहिए, और थोड़ा 1 कप दूध का चाहिए, और बिस्कुट्स के 2 पैकेट चाहिए इसके लिए। तो ये अपन कोई भी बिस्किट्स आप बाहर ले जाइए काम में ले सकते हो। मैंने ओरियो बिस्किट्स काम में लिए हैं, जो आपको पसंद है वही काम में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट लिए हैं। इसके बिस्किट्स को सेपरेट कर लेंगे उसकी क्रीम से निकाल कर। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं क्रीम को अलग, तो उसको साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। वो मैंने क्या किया है, यहाँ पे बिस्किट्स को अलग कर लिया है और क्रीम को सेपरेट इकट्ठा कर लिया अलग से। अगर आप चाहते हो एक साथ करें तो आप एक साथ भी कर सकते हो। सारे बिट्स के सारे जो बिस्किट्स हैं उनकी क्रीम को हटा लेंगे और इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे मिक्सी से। यह हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन उसे इतना अच्छा बनता नहीं है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो हम इसको मिक्सी से डायरेक्टली ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल पतला पाउडर बना लेंगे इसका। इसके अंदर आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप जैसे पार्ले जी बिस्किट काम में ले रहे हो तो थोड़ा सा अलग टेस्ट देने के लिए इसमें भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा बिस्किट का जो टेस्ट है वो हाइड हो जाता है। और इसमें मैंने डाला है शुगर पाउडर, जो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाले हैं शुगर पाउडर की। ये जो अपने घर पे शुगर होती है उसको मिक्सी से पीस करके उसका पाउडर बना लिया है, और उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पे कोको पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो मिलाना तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब उसको थोड़ा सा एक चम्मच से भी कम घी डाला है ताकि इसमें स्मूथनेस आ जाए। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और अच्छा सा इसका क्या करेंगे, पेस्ट तैयार करेंगे। एक साथ में सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा दूध डालना है, फिर उसको अच्छे से मैश करना है, फिर थोड़ा सा डालना है। ऐसे करके उसका अच्छा सा क्या कर लेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉफ़ी भी डाल सकते हो और या कोको पाउडर भी डाल सकते हो, जैसे कलर भी चेंज हो जाता है और आपका जो टेस्ट है बिस्कुट का फिर बिल्कुल नहीं आता, चॉकलेट का टेस्ट आएगा उसके बाद। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या डाला है, थोड़ा सा दूध और डाला है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा ड्राइनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम डाला और उसको वापस थोड़ा सा मैश कर लेंगे अच्छे से। जैसे अपन आटे का डो लगाते हैं सेम वैसा ही इसका तैयार करना है। तो ये देखो आटे के डो जैसा तैयार हो चुका है, इसमें थोड़ा और डलेगा वो अपन बाद में डालेंगे, अभी इसको सेम ऐसे ही रख देते हैं एक साइड। अब ये लिया है मिल्क पाउडर, ये कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो आप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर हम डालेंगे जो हमने क्रीम को अलग करके रखा था वो डालेंगे, इसलिए ये बोला था अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो उधर चीनी कम डल जाएगी बिस्किट्स के अंदर और यहाँ डालेंगे, तो इसमें चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कम चीनी है तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये क्रीम सफिशियंट है। इसको भी अच्छे से मिल्क पाउडर के अंदर मैश कर लेंगे क्रीम को। इसका भी सेम डो बनाएंगे आटे जैसा, जैसे हम रोटियां बनाने के लिए आटे का डो लगाते हैं, दोनों जो अपने पेस्ट है वैसे ही तैयार करने हैं। इसके अंदर सारे जो ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू जो भी आप डालना चाहते हो वो मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा दूध डाल करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा स्मूथ बने इसके लिए हम थोड़ा सा घी भी यूज़ कर लेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करना है बस थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ी चिकनाई आ जाए।
फिर ड्राई फ्रूट्स और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं खाते टाइम, तो ये भी आप थोड़ी सी बड़ी साइज़ में काट के डालना है इसमें। अब ये डो भी अपना क्या तैयार हो गया, तो दोनों डो को लगाकर हमने रख देना है साइड में। अब हम थैली लेंगे जो आपको दिखाई दे रही, कोई भी पॉलीथीन की थैली आप यूज कर सकते हो, जैसा कि आप दिख रही है आपको वो थैली, और उसको सेम ऐसे ही काटना है, तीनों साइड से कट कर लेना है और एक साइड को बाइंड में रखना, उसको कट नहीं करना है। जो हमने डो तैयार करके रखे हुए थे उसको थोड़ा सा फिर से मैश करेंगे अच्छा सा तैयार करके, फिर उसको बेलन की सहायता से रोटी की तरह बेल लेंगे। इसके क्या किनारे टूटने लग जाएंगे तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसको आप साथ साथ में थोड़ा सा सेट कर सकते हो, अगर नहीं करो तो फिर दोबारा जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे दोबारा सेम प्रोसेस करके बना लेंगे। तो इसको आराम से बेलते जाना है और इसको थोड़ा मोटा ही रखना है, रोटी जितना नहीं रखना है, ये मोटा ही रखना आपको। थोड़ा सा बेलन से बेल लेंगे, फिर उसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे और हाथ से क्या करेंगे इसके जो फट जाते हैं किनारे उनको वापस सही कर देंगे, और ऐसे अपनी रोटी जैसी साइज में बेल लेंगे, और इसको थोड़ा मोटा ही रखना है, ये ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल रोटी के जैसा बन के तैयार हो गया। अब इस पॉलीथीन को हटा देंगे, ये देखो इसे ज़्यादा भी मोटा रख सकते हो, इतना तो रखना ही आपको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब कोई भी आपके पास कटोरी हो छोटी, या भी कोई कमर हो, ढक्कन हो, आप किसी भी किस शेप में और किसी भी जो भी आपके घर पे मिल जाए उससे हम कट उसी शेप में काट सकते हैं। तो मेरे पास जो कटर था मैंने उसको उसी शेप में काट लिया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा करके साइड में कर देंगे, और ये इजीली कट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है इसका जो बैटर बना है। और इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग। ऐसे करके मैंने सारा जो ब्लैक वाला डो था बिस्किट्स का उसके एक शेप में काट ली है पीस। अब सेम प्रोसेस करेंगे। अब ये थोड़ा सा क्या ड्राई से लग रहा है, थोड़ा सा इसमें दूध और मिलाएंगे और ऐसा डो तैयार कर लेंगे जैसे अपन इसको बेल सके रोटी के जैसा। तो ये बेल करके जैसे अपन पहले बेल रहे थे सेम वही प्रोसेस काम में लेंगे, और इसको वापस उसी कटर की सहायता से शेप देते रहेंगे। और इसको भी मोटा ही रखना है। तो सारा जो अपने क्रीम वाला मिल्क पाउडर में मिला के जो तैयार किया था उसको भी अलग से काट लिया है, और जैसे आप चाहते हो कि जो क्रीम वाला था उसको अंदर रखे, जैसे आपको पसंद हो वैसे ही उसको सेट कर सकते हो। तो एक मिठाई जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, टेस्टी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद।